उस वक्त वहाँ पे जनरल फैज़ ने एक लुकमा दिया था, मुझे याद है, और उन्होंने उनके एक लुकमे के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी। उन्होंने कहा था कि मामला ये है कि रोकने के लिए सिर्फ मारना ज़रूरी नहीं है, जब रोकना हो तो बहुत तरीके होते हैं। तो ये तो चलें बात भी समझ आती है, लेकिन जनरल बाजवा ने बिल्कुल हारा हुआ स्टेटमेंट दिया था और खौफजदा स्टेटमेंट दिया था। मैं हैरान था कि जो मुल्क तालिबान से मार खा रहा है वो पशौरी चप्पल के अंदर मार रहे हैं उनको, और पुराने दूसरी जंग अजीम के हथियारों के साथ अमेरिका को शिकस्त दे रहे हैं। एक तरफ वो मुल्क वहाँ पर मार खा रहा है और एक तरफ एक दुनिया की बड़ी फौजों में से एक फ़ौज का मालिक आर्मी चीफ और एक एटॉमिक पावर मुल्क का मालिक आर्मी चीफ जो है वो इतनी डरी हुई और इतनी खौफजदा बात कर रहा है अमेरिका को लेकर, तो मुझे खासी जो है वो तश्वीश भी थी, बहुत बेचैनी भी थी, और बाकी सहाफ़ियों का भी मिला जुला रद्द अमल था। इसमें जनरल बाजवा का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ था उस तरफ भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे ये बात कैसे पता चली, मुझे ये बात पता चली 2020 में, और 2020 में एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे दोस्त हैं, वो गए और जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात करके आए अकेले। उन्होंने बाजवा साहब से अकेले मुलाकात की और वापस आकर वो परेशान हो गए और उन्होंने मुझे रात गए फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि हुआ ये है कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और वो इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ये बाजवा साहब की सोच है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया है। उन्होंने कहा आपको कैसे आइडिया है? तो मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले तीन सहाफ़ी ऐसे हैं जो जनरल बाजवा से मिलकर आए, और जब भी वो जनरल बाजवा से जो सहाफ़ी मिलकर आया उसने आने के बाद अगले एक हफ़्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पता चलता है कि वो इसराइल की तरफ उसका टिल्ट बढ़ा है, या उसको ये कहा गया है या वो ये खुद से कह रहा है, लेकिन वो कन्विंस है इस बात के ऊपर कि इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। इनमें मैं सहाफ़ियों के नाम भी ले सकता हूँ लेकिन सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान में एक बड़ा हसास टॉपिक है। हमारे एक दोस्त ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू भी दे दिया इसी जोशो जज्बे के साथ जब मुलाकात हुई मुबैना तौर पे। तो उसके बाद अच्छा इसमें कुछ और जो चीज़ें हुई वो ये हुई कि एक सहाफ़ी ने ट्वीट कर दिया, एक ने टीवी चैनल पे कह दिया, एक और दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग में बात कर दी। तो ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो जनरल बाजवा से मिलकर आ रहे थे वो इसराइल के बारे में एक नरम गोशा अपने दिल के अंदर रख रहे थे। तो मुझे शक तो था इस बात के ऊपर, लेकिन जब वो सहाफ़ी मिलकर आए और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल बाजवा इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं या उनको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, तो मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी अब वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्विंस किया है बड़ी लंबी मुलाकात के बाद, वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये बात अपने टॉक शो के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर कहूँ, और ये बात